हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। गुड़ से बना कर हम इसे तैयार करेंगे। इतना ज़बरदस्त रेसिपी आपने अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं देखी होगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया देखने में लग रही है, और जितनी बढ़िया ये देखने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी खाने में लगती है, और उतनी ही आसान ये बनाने में है। झटपट आपको 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये मीठे को आप बनाकर एक बार एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख दो, 1 से 2 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल खस्ता और बढ़िया बनकर रहेगा ये। तो बना के ज़रूर से ट्राई करना, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। आप देख सकते हैं हमारा ये मीठा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाला बनता है दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है गुड़। गुड़ में हम हल्का पानी ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे तरीके से डुबाकर आधे घंटे ढक के रख देंगे, जिससे गुड़ हमारे पानी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे, अच्छी तरीके से पिघल के ये मिक्स हो जाएंगे। आधे घंटे के लिए हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। इसे रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं, खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, थोड़े टुकड़े रह गए हैं, तो आप इसमें इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे तो वो भी मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी ये। अगर आपको इंस्टेंट मिक्स करना है तो पानी गर्म करके उसमें आप चूल्हे पर चढ़ा कर भी इसको गुड़ को पिघला सकते हो, उस तरीके से वो जल्दी पिघल जाएगा। जो गुड़ हमारे बचे हुए हैं इसको भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। छोटे टुकड़े थोड़े हमारे रह गए हैं इसमें। लेना है हमें गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के बराबर रिफाइंड ऑयल, चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया। अच्छे से ऑयल को हमें पूरे आटे में मिक्स करना है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है दोस्तों। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी होता है। बना के आप इसे एक बार रख सकते हो, 1 महीने तक ये खराब नहीं होगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बना के ज़रूर से ट्राई करना। गुड़ से हम इसे बना रहे हैं तो ये हेल्दी भी है। कभी कोई मेहमान आए तो मीठे में आप इसे दे सकते हो, कोई नहीं कहेगा आपने इसे घर में बनाकर रेडी किया है। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इस तरीके से रिफाइंड को पूरे में हमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों वीडियो बनाने मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। हम आपस में इसी तरीके से जुड़े रहें। ऑयल को पूरे में हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो गुड़ का घोल हमने बनाकर तैयार किया है। एक बार में पूरा ऐड नहीं करेंगे, हो सकता है हमारा मिक्सचर गीला हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है। एक बार बना के जरूर ट्राई करना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे को इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से पूरे आटे में हमें इसे मिक्स कर लेना है। बना के जरूर से ट्राई करना दोस्तों, कैसा बना मुझे कमेंट में बताना। 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा, महीनों चलेगा। एयर टाइट डब्बे में आप इसे बंद कर दोगे, बिल्कुल खस्ता बन के आपका
रहेगा, ये 1-2 महीने आराम से चल जाता है। कभी भी पानी पीने का मन हो या फिर कोई गेस्ट आ गए हो तो आप इस मीठे में से दे सकते हैं, खा के इसको पानी पी सकते हैं, क्योंकि गेहूं के आटे और गुड़ से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ ही हमारा हेल्दी भी बनके तैयार होगा। सारे गुड़ को हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा ये नीचे वाला हमारा हार्ड रह गया, इसे मैं हाथ से मैश करके मिक्स कर ले रही हूँ। आटा हमें गीला नहीं लगाना है, आटा हमें हल्का टाइट ही लगाना है। सारा गुड़ का हमने इसमें, जो गुड़ का पानी तैयार किया था, सारा हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब थोड़ा सा, अभी हमारा आटा अच्छी तरीके से नहीं लगा है तो हल्का हम इसमें प्लेन पानी ऐड कर लेते हैं। हल्का सा छीटा देके डालना है, हमें इसे गीला नहीं बनाना, इसीलिए पानी हिसाब से डालें। एक बार में ज़्यादा डाल दोगे तो फिर आटा हमारा गीला हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा दोस्तों, बना के ज़रूर से ट्राई करना। बस पानी हमारा इनफ है, इसी में हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें पानी इसमें नहीं डालना, इसी को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आटे का डो हमने बनाकर रेडी कर लिया है, 2 भागों में हम इसे बांट लेते हैं। इसे हम करेंगे साइड और ले लेंगे चॉकलेट बेलन, जिस पर हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। आप चाहो तो फर्श पर भी बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा दोस्तों, बना के ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लेना। इस तरीके से रोल करते हुए से हम थोड़ा सा पतला शेप दे देंगे। इस तरीके से हमें इसको शेप दे देना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अगर लग रहा हो आपका कि आपका आटा ज़्यादा हो तो आप और आटा हटा सकते हो, 2 की जगह आप 3 टुकड़े में इसको डिवाइड कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना आटा लिया है, कितना आप किस क्वांटिटी में आप बना रहे हो, क्योंकि जो हमारे ये स्वीट बनेगा ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो अच्छे तरीके से ये पकना भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है। मैं हल्का से यहाँ से हटा दे रही हूँ, मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है। इस तरीके से इसको शेप दे देना है। मैंने इसे शेप दे लिया है, अब हम इसे चाकू से कट करेंगे। इक्वल देना है हमें, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है। इक्वल आप इसको बना लें, चारों तरफ से ये बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये बढ़िया से पकेगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है दोस्तों, ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, कहीं नहीं देखी होगी। इक्वल से मैंने इसे दे दिया, हाथों से दबा के इस तरीके से सही कर लें। अब इसको हमें इसे कट कर लेना है, इक्वली आप इसे कट कर लें। झटपट बनने वाला ये स्वीट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है दोस्तों। अब इसके पार्ट को उठा लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा ये बन गया है। ये साइड का है तो साइड का हम इधर से भी हमें इस तरीके से करना है, तो साइड से भी थोड़ा सा कट करके निकाल देते हैं। हल्का इसको हम चिपटा कर लेंगे, इस तरीके का हमें शेप चाहिए। इस तरीके से हमें बनाकर रेडी करना है। एक और मैं बना के दिखा देती हूँ, इसे मैंने ले लिया है। थोड़ा सी नाव के शेप का मैं इसे बना रही हूँ, आप अपने मनचाहा शेप दे सकते हो, आपकी चॉइस पे है, बिल्कुल आपके ऊपर ये डिपेंड करता है।
मुझे ये शेप अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसमें ये शेप दे रही हूँ। हल्के से नाव का शेप दे दिया है मैंने इसे, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। ऐसे ही सबका बना लेंगे। मैंने इस तरीके से शेप देके रेडी कर लिया है। लेना है हमें थोड़े से तिल, ये वाइट तिल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। किसी भी बर्तन में हम इसे हल्का सा इस तरीके से डाल देंगे। और जी हमने इसे बना कर रेडी किया है ना, इसे इस तरीके से इसमें चिपका लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये जो तिल है ना हमारे इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाए। इस तरीके से मैंने इसमें अपने तिल को चिपका लिया है। इसी तरीके से सबको बना लेंगे। एक और बना के दिखा देती हूँ। पहले ही किसी बर्तन में हल्का तिल हमें इसमें चारों तरफ से बिखरा देना है। उसके बाद जो हमने ये अपने बना कर रेडी किए हैं इसको इस तरीके से चिपका लीजिए। तिल आपके इसमें इजीली चिपक जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से सबको बना कर रेडी कर लेंगे। हमने इस तरीके से शेप देकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं दोस्तों। ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, डाल दिया मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हो। ऑयल को पहले पूरी तरीके से हमें गर्म होने देना है, तो इसे पूरी तरीके से हम गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा पूरी तरीके से गर्म हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे, बिल्कुल धीमा कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई नहीं करना है। पहले ऑयल को हमें पूरी तरीके से गर्म करना है, फिर फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेना है। क्योंकि हाई फ्लेम पर करने से क्या होगा कि ये अच्छे तरीके से पकेगा कि नहीं, क्योंकि हमारा थोड़ा थिक है, बिल्कुल पतला नहीं है, तो अंदर से भी अच्छी तरीके से ये पकना चाहिए। अब एक एक करके हम इसमें डाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार होगा दोस्तों। एक बार आपने इसे बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करोगे। आप इसे मीठे स्नैक्स के रूप में बनाकर रख सकते हो। कोई भी आए बना के खिला सकते हो। कोई नहीं कहेगा आपने इसे घर में बना कर रेडी किया है। जितना सुंदर ये देखने में लगता है ना, बहुत मज़ेदार खाने में लगता है दोस्तों। हेल्दी भी है। धीमी आंच पर हम इसे फ्राई होने देते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर लिया है। अब धीरे से इसे पलटना है एक तरफ से हल्का। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसे एक एक करके टर्न कर लेंगे। यूट्यूब पर ये रेसिपी आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। बिल्कुल नई रेसिपी है, बनाकर जरूर से ट्राई करना। कैसा बना कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लेना। धीरे धीरे हम इसे पूरे को टर्न कर लेंगे। धीमी आंच पर इसे पका लेंगे ताकि अंदर तक हमारे अच्छे से ये पक जाए। इसे फ्राई करके अच्छा सा गोल्डन कलर हमें दे देना है। इसे पलट पलट के अच्छी तरीके से धीमी आंच पर सेक लें और गोल्डन कलर तक हम इसे पका लेंगे। हमारे ये गोल्डन हो चुके हैं, निकाल लेते हैं इसे। देख सकते हैं कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अब लग रहा है इसे आपने घर में तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है दोस्तों। बना के जरूर से ट्राई करना। इसी तरीके से सबको हम फ्राई कर लेंगे। मीठा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों। देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और जितना सुंदर ये देखने में है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। बना के जरूर जरूर से ट्राई करना। कैसा बना मुझे कॉमेंट में बताना। और दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी सी वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।